रेडियो बुंदेलखंड एमपी में ओरछा में पड़ता है और ओरछा मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश है जो कि मध्य भारत का क्षेत्र है और ये हार्ट भी कहलाता है इंडिया का, इसमें पड़ता है। और ओरछा आपका टीकमगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आता है, जो छोटा सा टाउन है और ये झांसी से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट टाउन है जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारा स्टेशन एक बॉर्डर अक्रॉस लाइन में पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को अलग अलग करती है। चूँकि इस एरिया को देखें तो ये बॉर्डर एरिया में आ रहा है हमारा यूपी और एमपी की, तो इस वजह से जो भी कंपनियां हैं तो ज़्यादातर कंपनियां हैं वो सब झांसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रही हैं और यहाँ पर उनके सिग्नल रोमिंग में आते हैं। तो इस दौरान जो हमारे लिसनर्स जो कॉल करते हैं रेडियो को तो उनका रोमिंग चार्जेस लगता है। बीएसएनएल के अलावा इसमें एयरटेल है आपका, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, रिलायंस है, ऑलमोस्ट सभी कंपनियां जो कि सर्विस प्रोवाइडर है यहां पर रिसीव सिग्नल हो रहे हैं, लेकिन उनका चूँकि लेवल झांसी से आ रहा है इस वजह से सिग्नल लेवल में काफ़ी कमी है। केवल बीएसएनएल के सिग्नल का लेवल ठीक है। इंटरनेट में जैसा कि चूँकि अभी सिग्नल लेवल ठीक हुआ है कुछ ही दिनों में, तो इंटरनेट भी अभी ठीक मिलने लगा है और स्पीड भी ओके है। आइडिया का भी सिग्नल वहाँ पर ठीक मिल रहा है आजकल और आइडिया का 3G नेटवर्क भी रिसीव हो रहा है। प्राइवेट कंपनी है, इसके अगर कंपेरिजन करते हैं बीएसएनएल से तो नो डाउट ये थोड़ा सा कॉस्टली है। 6GB डाउनलोड का पैकेज ऑलमोस्ट करीब 850 अराउंड पर मंथ आता है। चूँकि जो भी इस्तेमाल किया है तो उसमें 3G ऑलमोस्ट हमारा 10-12 डेज में ही एग्जिस्ट हो जाता है। मोबाइल फ़ोन में एक तो फोनिंग हम अलाउड करते हैं और सेकंड इसमें SMS के लिए भी काफ़ी हमारे श्रोता है जो चाहते हैं कि SMS के थ्रू भी जुड़े। तो लाइव फोनिंग अगर हम करते हैं तो भी इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और कुछ जगह भी किया भी।